मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और क्या नाम है? राजेश नाम है। हाँ राजेश, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल राजेश जोन। तो मैं फिर से आपको जो राजस्थान कंप्लीट राजस्थान की यात्रा पे ले आ गया और मैं आज आपको लेके चला हूँ बीकानेर। अभी मैं सीकर के अंदर एक ये चौराहा है उसी पे हूँ और मैंने यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लिया था। मैंने मॉर्निंग में करीबन 8 बजे मैं घर से निकला था, लेकिन चलते चलते मैंने सोचा कि यहाँ से ब्लॉग शूट करें तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको लेके चलूँगा जो शुभ जर्नी के ओनर है संजय स्वामी, उनसे मिलाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो कंटिन्यू वीडियो को पे बने रहे दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है जो शुभ जर्नी के ओनर है संजय स्वामी उनके घर पे, और ये मेरे पीछे देख पा रहे हो ये उनका घर है। तो मैं इस जगह आ चुका और आप सभी दोस्तों को उनसे मिलाता हूँ और उनका पूरा घर दिखाता हूँ। तो आई होप दोस्तों मेरी जो ये जर्नी है वो आपको पसंद आ रही होगी। तो चलते हैं अंदर और उनसे मैं आप सभी दोस्तों से मिलवाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी लास्ट वाली बीकानेर वाली सीरीज थी तो आपने देखा होगा, तो उस टाइम पर भी मैं इनसे मिलने के लिए आया था, लेकिन ये हिमाचल के लिए निकल गए थे तो मेरा मिलना नहीं हुआ उस बार। लेकिन इस बार हम इनसे मिलते हैं और आप सभी दोस्तों से मिलवाता हूँ। दोस्तों ये देख पा रहे हो यही उनका जो नया मकान है वो है, और वो आ रहे हैं अभी और मिलते हैं उनसे। दोस्तों आज मेरा जो सपना था जो पूरा हो गया, मेरा सपना था कि संजय स्वामी से मिलने का, जो आज पूरा हो गया। तो रात को 7:30 बज गए थे मेरे को यहाँ आते आते, लेकिन मैं रात को तो इनसे नहीं मिल पाया, लेकिन अब मॉर्निंग में इनसे मिल रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से मिलने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और क्या नाम है? राजेश नाम है। हाँ राजेश, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे पूरा राजस्थान भ्रमण कर चुके हैं, अच्छा। तो मैं आपकी पूरी सीरीज देख ली, आप जहाँ जहाँ आपने किए, तो वो कैसे आप पहले कुछ प्लानिंग करते हो उसके लिए? या घूमने के लिए हम लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं कि साथ में एक दो बैग ले लेते हैं, सामान जितना भी साथ में जो चाहिए होता है, अच्छा। वो ले लेते हैं, गाड़ी में डालते हैं, चलते हैं। इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं। बाकी ऐसे है कि हाँ वहाँ जाना है, एक आइडिया लेते हैं, ऐसे कुछ लिख के या वैसे कुछ नहीं करते, लंबी चौड़ी प्लानिंग कुछ भी नहीं है, सामान डाला निकले बस। तो दोस्तों जैसे वीडियो में इनको देखते हो वैसा ही इनका जो व्यवहार है वो भी बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप अब नया मकान बनाए तो वो भी थोड़ा बहुत मेरे को दिखा दिया। आप तो दोस्तों इन्होंने ये अपना जो नया घर बनाया है वो है, आप देख सकते हो। दोस्तों अब मेरे को संजय स्वामी जो उनका बेडरूम है उस जगह लेके चल रहे हैं, और आप देख सकते हो बहुत ही शानदार मकान बनाया है इन्होंने, और जो मकान इन दरवाजे गेट लगाए वो भी शानदार है। तो आप देख रहे हो अभी उठ के गया। अच्छा ये आपका बेडरूम, और वो आपके छोटे भाई सो रहा है वो भी। अच्छा बहुत ही बढ़िया। और इनके जो यूट्यूब के मेडल सुभदनी, ये भी सुभदनी। तो दोस्तों मेरी भी इच्छा है अपने यूट्यूब चैनल पे ये आए, तो एक बार इसको हाथ में ले सकता हूँ? हाँ ले सकते। कौन सा वाला होता? कोई सा ये दे दो उसे। हाँ तो ये आपको कब मिला था? 12 महीने तो हो गए। 12 महीने हो गए, ज़्यादा ही हो गया। अच्छा तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आपने जो वर्द वो नोर जो एक आश्रम में की थी वो वाला ही नहीं है? वो देख लो दोस्तों, ये वो ही है। और मुझे भी मौका मिल रहा है इनका जो बहुत ही अच्छा। दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि अपने भी यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी ये आए। ये वो संजय कुमार स्वामी वाले चैनल का है, ये बटन का तो ये ज्यादा चाहिए। हाँ दोस्तों ये इनकी मेहनत का फल है जो मिलने पे बहुत खुशी होती है। असली मेहनत का फल ये नहीं है, आप लोग हैं जो देखते हैं, तो
रेगुलर और सपोर्ट करते हैं। बाकी ये तो यूट्यूब अपनी तरफ से छोटे मोटे अवार्ड ऐसे दे देता है खुश करने के लिए, बाकी मेन मेहनत का फल जो है वो जो देखने वाले हैं, वो जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, तो उसके बाद में जो खुशी होती है वो है असली। दोस्तों मैं छत के ऊपर आ चुका और आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी रेत के बड़े बड़े टीले आप देख रहे हो ना, ये हाँ ये पहले बहुत बड़ा था, उधर से भी वो देखो। अच्छा अच्छा ये वाला, अच्छा और ये वाला भी। अच्छा ये क्या है कि धीरे 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 वो रेत उठाने से छोटे पड़ने लगे आजकल। अच्छा तो ये जो यहाँ पे जो खेती कर रखे हैं ऊपर रेत के ऊपर टीलों के ऊपर, तो इनका लास्ट में हाँ तो वो कैसे किस तरह करते हैं, वो पानी कैसे देते हैं? जमीन के अंदर पानी है। नहीं पानी कैसे सप्लाई करते हैं फिर वहाँ पे? मोटर से निकालते हैं, सबमर्सिबल से, फिर फुहारे चलाते। अच्छा फुहारों से ही होता है। रेगिस्तान के अंदर ऐसे ही है सब जगह, जहाँ पर जमीन के अंदर पानी है वहाँ तो होती है, नहीं है वहाँ पर नहर गई है तो ठीक है, जहाँ नहर भी नहीं है जमीन में पानी भी नहीं है खारा। अच्छा। है तो वहाँ खेती नहीं होती। अच्छा और ये पूरा इनका गांव बहुत ही सुंदर गांव। और आपने जो वीडियो के अंदर एक मंदिर दिखाया वो वाला, वो हाँ माता जी का, कौन सी माता जी का मंदिर? ब्रह्मणी माता जी का, ब्रह्मणी माता जी। दोस्तों इन्होंने मेरे को अपने इनका घर दिखाया, बहुत ही अच्छा बनाया इन्होंने। और ये जो डिजाइन लिया है जो आपने ये घर बनाने का, हाँ ये मेरे मामा जी है बजरंग दास, वो एक्सपर्ट है इसमें। अच्छा उन्होंने तो उन्होंने खुद ही सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है उन्होंने किया, और बाकी उसके बाद में कलर करने वाले मेरे चाचा जी हैं। अच्छा और उन्होंने कर दिया, और बाकी फर्नीचर वाले अपने गाँव के ही है। अच्छा तो बहुत ही आपने जो नक्शा लिया ना बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अच्छा। इसमें जो रूम दिए जिस हिसाब से रूम दिए बहुत ही अच्छे ये, और छोटा भी है ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और बहुत बढ़िया घर है। अच्छा ये लगभग लगभग कितने दिनों में कंप्लीट हो गए? साल भर में कंप्लीट हो। स्पीड ऑफ स्पीड चला था भाई नहीं तो होता नहीं, मतलब बैक टू बैक ही सारे के सारे आके। अच्छा तब तो आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए कि आप कितने घर में? हाँ, सब इनको पता है, रोज दिखाता हूँ, कभी कोई सा भी दिखा दूँ, कभी कोई सा भी दिखा दूँ। दो सिस्टर हैं, दो भाई हैं, मम्मी पापा है, भाई की शादी भी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, बच्ची है, एक सिया है। अच्छा अच्छा हाँ। तो आप खेत यहाँ से कितनी दूर है? वो देखो वो दिख रहा है ना किला, रेत वाला भी दिखाया था। हाँ। उसके पार है खेत। अच्छा उसके पार खंबा दिख रहा है आगे एक। अच्छा वो शायद खेत के आजू बाजू से निकलता है। अच्छा उधर से निकलता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मेरे को जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ आज। अच्छा लगा, मैं एक बार पहले भी आया था यहाँ पे तब। दोस्तों आपने जो मेरे बीकानेर वाले सीरीज देखी होगी तो वो इनसे मिलने के लिए आया था, लेकिन उसको क्लिप को मेरे को काटना पड़ा क्योंकि ये हिमाचल के लिए निकल गए थे। तो आज मेरे को जो इनके लास्ट वाले वीडियो आ रहे थे कि शादी के, तो मैं उस हिसाब से आया कि वो अभी तो यहीं पे रहेंगे, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है जो अक्सर बाहर ही होती है, यहाँ पे बहुत कम वक्त बिताते हो आप। हाँ घर पे अब जाना ही होता है, बाहर भी जाना होता है, घर पे भी आना होता है। शादी थी, घर पे आ गए, और भी काम है, फिर वापस चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। एक्चुअली मेरा ये मानना है जीवन है कि ये यात्रा है, हम सब यात्री हैं, और एक दिन हम सबको जाना है, जितना हो सके उतना इंजॉय कर लें, या फिर कुछ अच्छा काम कर लें, कुछ भी मान लो आप, तो वो सब करने के बाद में वापस बस में चढ़ना है। ये एक अपना वो स्थान है, मतलब रुके एक डेस्टिनेशन है जीवन जो है वो, और उसके बाद में वापस बस में चढ़ के जाना है। दोस्तों मैं जिस जगह सोचता हूँ, यानी कि अपन जिस जगह नहीं जाते हैं तो वहाँ का वीडियो निकाल के देखे, तो इनका वीडियो देखता हूँ मैं, और बहुत ही खुशी होती है कि माय में कोई टेंशन होती है ना मेरे कि कोई दुख होता है तो इनका वीडियो निकाल के चला लेता हूँ, वो उस टेंशन को भूल जाता हूँ, वो बाहर निकल जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है आपके जो और मेरे माइंड में अगर कोई टेंशन होती है तो वो आपके कमेंट्स लाइक्स पढ़ता हूँ तब मेरी वो दूर हो जाती है। अच्छा उससे सपोर्ट मिल जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है आपके जो भी वीडियो देखता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कंटिन्यू आपके जो राजस्थान सीरीज है ना, मैंने वो तो कंटिन्यू पूरी देखी है मैंने, शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी वीडियो है, 593-92 ऐसे कुछ है शायद, मेरे हिसाब से मेरे को आईडिया नहीं, लेकिन 500 से ऊपर है वो वीडियो सारे मैंने पूरे कंटिन्यू देखे हैं। ये हमारे संघर्ष की कहानी की शुरुआत है, मतलब राजस्थान सीरीज में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, बहुत करना पड़ा था, बहुत वीडियो में दिखाया भी नहीं हमने, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई, हमने सिर्फ अच्छी दिखाई है ताकि देखने वाले को अच्छा ही लगे। दोस्तों मैं संजय भाई से मिल के आ चुका, और मैं अभी उन्हीं के गांव के आसपास के एरिया में हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरे रेत के टीले ही टीले
नज़र आ रहे होंगे। और मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं ये इस तरफ जाने की सोच रहा था कि यहाँ ऊपर चलेंगे इस रेत के टीले पे, और वहाँ चल के अपना जो ड्रोन है वो यहाँ से उड़ाएंगे और आपको यहाँ के प्यारे प्यारे रेत के टीले मैं दिखाऊंगा। तो लेकिन मैं जैसे ही इसके पास में आया, तरह से ये तार बांध रखे हैं इन्होंने, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत करंट छोड़ा जाता है, जो नील गाय होती है वो आसानी से अंदर नहीं जाए, उनके झटका लगे इस करंट से वो मरती तो नहीं है, लेकिन वो अब किसानों के खेतों में नहीं जा पाती है। और इस तरफ देखोगे आप, ये देखो सरसों के खेत है, इस वजह से इन्होंने पूरी तारबंदी इस तरह की कर रखी है। तो मैं भी ऐसी रिस्क नहीं लूँगा कि मेरे भी झटका लगे। ये देख पा रहे हो आप, इस तरह से पूरा ये तार बाउंड्री कर रखी है इन्होंने। तो आप और इस तरह भी देखोगे आप, तो पूरा ये एरिया पूरे में आपको रेत के टीले टीले नज़र आ रहे होंगे। तो अच्छा लगा, इस जगह रुका मैं 5-10 मिनट, ये पूरा देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी ये वीडियो है वो पसंद आया होगा, आपको उनसे मिलके अच्छा भी लगा होगा आप सभी को, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और आपने भी वीडियो में देखा, उन्होंने बहुत ही गुड बहुत ही बढ़िया इंसान है वो, कि अपन वीडियो में देखते हैं वैसे ही वो हकीकत में, ऐसा कोई दिखावा नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्वभाव के हैं उन्होंने। अच्छे मैं करीबन उनसे अच्छी तरह बातें की, उन्होंने मेरे से अच्छे तरह मेरी जो सेवा की उन्होंने मेरी, और बहुत अच्छा लगा मेरे को उनसे मिलके। तो संजय स्वामी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर से मैं वीडियो में आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर मिलते नहीं, लेकिन आप मेरे से मिले, कुछ टाइम दिया आपका, कीमती समय मेरे को दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। और दोस्तों आपको भी मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जो सीरीज आने वाली है अपनी कंप्लीट राजस्थान के अंदर, वो सीरीज है जैसलमेर वाली, वो बीकानेर आया था उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था, तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो अब आपको आगे बीकानेर के अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।